लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। पर्यटन विभाग के प्रधान महासचिव संतोष कुमार मल पहुँचे अजगैवी नाथ धाम। पर्यटन विभाग के प्रधान महासचिव के सुल्तानगंज पहुँचने पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुके देकर उनका स्वागत किया। पर्यटन विभाग के प्रधान महासचिव संतोष कुमार मल सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा घाट पहुंचकर नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। कांवरियों की सुख सुविधाओं को बेहतर ढंग से करने का निर्देश दिया। वहीं संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज का यह अजगैवी नाथ धाम एक अलौकिक है और हमारा प्रयास रहेगा कि पर्यटन स्थल में इनका नाम आए तथा अजगैवी नाथ गंगा घाट जहाँ तक हो सके उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, जिससे दूर दराज से आए कंवरियों को और सुल्तानगंज को और भी सभी लोगों को यह लुभावना लगे। इस मौके पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SDM प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू आदि लोग उपस्थित रहे। अतुल भारती, सुल्तानगंज की खास रिपोर्ट। पथ निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पे गेस्ट हाउस बन रहा है, बनने की कार्रवाई शुरू हो गई। भवन निर्माण विभाग के द्वारा भी गेस्ट हाउस बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भविष्य में और भी क्या क्या हम लोग जोड़ सकते हैं, इसी को मैं देखने के लिए और अपनी जो व्यवस्था चल रही है उसमें स्टैंडर्ड बना रहे, बढ़िया से बना रहे। पिछले सालों की तुलना में काफ़ी अतिरिक्त व्यवस्था इस बार दी गई है सरकार के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको बनाए रखना भी अपने आप में एक चुनौती रहती है। जब आप ऊंचा कर लेते हैं तो उस जगह पे बना रहना भी चुनौती होती है। भविष्य में और योजनाएं भी हम लोग टेकअप कर सकते हैं, उसकी अभी हम लोग प्लानिंग करेंगे। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है सर, अजगैवी नाथ मंदिर। सुल्तानगंज को लोग अजगैवी नाथ धाम से भी जानते हैं, क्या उस मंदिर को पर्यटन से जोड़ा जा सकता है या प्रयास की जा रही है? देखिए, ये जो अभी सब चल रहा है, हमारा श्रावणी मेला चल रहा है, ये पर्यटन का ही एक अंश है और धार्मिक पर्यटन का आप इसे संज्ञा दे सकते हैं। तो अजगैवी नाथ मंदिर के नज़दीक पर्यटन विभाग के द्वारा पूर्व में कुछ ही सालों पूर्व घाट का निर्माण कराया गया है और उसके अलावा वहाँ पे LED वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, बेंचेस वगैरह की व्यवस्था की गई है। पूर्व में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज बना के दिया गया था, उस समय तो मैं ही जिलाधिकारी था, उस समय पुल निर्माण निगम ने उसे बनाया था। ये और आगे बढ़ता जाए, यहाँ पे और भी पर्यटन के दृष्टिकोण से, सालों भर पर्यटन के दृष्टिकोण से कुछ कुछ हो सके। यहाँ नज़दीक खाली जमीन है, कुछ उसमें से रेलवे की है, कुछ प्रशासन की है, तो उसको समेकित करके एक परियोजना बनाने की आवश्यकता है। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो उस घाट पर सर इस तरह का प्रोजेक्ट सर क्या मतलब वहाँ भविष्य में बनने की संभावना है, जो प्रोजेक्ट यहाँ बना सर इस तरह का प्रोजेक्ट? ये तो देखिए मेन धार के किनारे है और इतनी बड़ी जगह वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो मुझे उसमें तो थोड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। बाकी अजगैवी नाथ मंदिर के इर्द गिर्द क्या हो सकता है, तो अभी हम लोग आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे सर। उसमें फसाद लाइटिंग भी हो सकती है। सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था का प्रतिफल है इसमें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मंत्री जी के हमारे मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको करने का प्रयास किया है। अगर कांवरिया बंधुओं को ये व्यवस्था पसंद आ रही है तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए हौसला अफजाई वाली बात है। ऐसे इसको आगे और बढ़िया बना के रखेंगे और कोशिश इसी के लिए जारी रखेंगे। अभी मैं बांका की दिशा में जाऊंगा, झारखंड बॉर्डर तक, जो भी हम लोगों की जहाँ जहाँ भी टेंट पंडाल और बाकी व्यवस्था है उसका निरीक्षण करूंगा कि स्तर जो हमने सोचा था उसके अनुरूप। अभी भी 15 दिन बीत गए हैं। सामान्यतः क्या होता है कि शुरुआत में अच्छी व्यवस्था होती है और फिर बाद में थोड़ा व्यवस्था में शिथिलीकरण होने लगता है, तो वो ना हो इसीलिए हम लोग उसको कर रहे हैं। यहाँ तो सर निरीक्षण